हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रोकर एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एनालिसिस ऑन निफ्टी पे चर्चा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आज की ओपनिंग काफी पॉजिटिव नोट पे हुई थी। तो पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ही आज की मार्केट की शुरुआत हुई थी। लगभग आज की ओपनिंग 18,000 के आसपास की आज की ओपनिंग थी, राइट। तो मार्केट ने आज मॉर्निंग के साथ अच्छा खासा गेन किया, मतलब अगर पकड़ के चलिए आप 10 मिनट तक, आप अच्छा खासा मार्केट में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया। और लगभग 18,050 जो कि अब तक काफी इम्पोर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करते हुए एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन के साथ मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो जिस हिसाब से आज का मार्केट का मोमेंटम था, कंप्लीटली डाउनसाइड मोमेंटम था और साथ ही साथ लोअर लो बनाते हुए ट्रेड कर रहा था, तो ये क्लियरली अभी इंडिकेट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से शायद तक नीचे जा सकता है। अगर नीचे जाना हो तो मार्केट के लिए इमीडिएट तौर पे जो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, लगभग रहेगा 17,850 का लेवल, जो कि आज का लगभग लो है। अगर आज मार्केट का लो आप देखो, लगभग हमारा 18,050 17,850 ये हमारे लिए भी कल के लिए इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दे देता है मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तो शायद हमें नीचे के लेवल भी देखने मिल सकते हैं, लगभग 17,775 एंड 17,750 एंड आखिरी में रहेगा 17,700 के लेवल। ये हमें कल के सेशन में देखने मिल सकते हैं, राइट। अगर रही बात ऊपर की, अगर मार्केट ने अपना अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है वो 18,200 का लेवल। अगर मार्केट 18,200 के लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर देता है डेली बेसिस पे, तो मैं समझूंगा कि निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेड कंटिन्यू कर सकता है। जब तक कि मार्केट 18,200 का लेवल ब्रेकआउट ना करे, तब तक के हमारा व्यू निगेटिव बना रहेगा। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कमिंग सेशन के लिए। अब रही बात कल की, तो कल के लिए हमारे लिए इमीडिएट तौर पर मार्केट के रजिस्टेंस फेस कर सकता है लगभग 17,925 का लेवल। 17,950 ये इमीडिएट तौर पर हमारे लिए पहला रजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो इमीडिएट तौर पे फिर 18,000 18,025 का लेवल रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है, तो हमारे लिए इमीडिएट तौर पे सबसे लास्ट टारगेट बनेगा 18,100 18,150 का लेवल, राइट। ये कल की रेंज रहेगी हमारी। मार्केट को अपना अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू करना होगा या फिर हम अपसाइड मूवमेंट पॉजिटिव निफ्टी को हम ट्रेड करेंगे जब मार्केट 18,200 का लेवल अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर देता है। तब जब तक के मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक के हमारा व्यू निगेटिव रहेगा और आपको उसी बेसिस पे आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो कल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल या फिर इमीडिएट तौर पे जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे हमारे लिए, वो रहेगा एक न्यूट्रल जोन पकड़ के चलिए 17,925 का लेवल रहेगा हमारे लिए न्यूट्रल जोन, राइट। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इमीडिएट तौर पे 17,975 और 18,025 ये हमारे लिए कल के लिए रजिस्टर के तौर पे एक्ट करेगा, राइट। अगर रही बात नीचे की सपोर्ट की, सपोर्ट ले सकता है मार्केट 17,875 के आसपास और आखिरी में रहेगा 17,850, ये हमारे लिए इमीडिएट तौर पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये लेवल को मार्क करते हुए चलेगा। जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, तो आप अपना एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन है, जो भी आप पैटर्न, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो उसको अप्लाई करते हो, आप ट्रेड सेटअप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सारी चीजें होगी चार्ट के प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो भी लेवल निकलती है मैंने यहाँ पे आप डिस्प्ले कर चुका हूँ, राइट। अगर मैं आपका डाटा देखू, डाटा यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, ओके। सो डाटा यहाँ पे अगर देखो, तो आज क्लियरली दिख रहा है आपको कि अच्छी खासी पुट ट्रेडिंग हुई है, जो कि लगभग हमारे लिए इससे स्ट्रांग अभी रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। ये वाला लेवल जो कि लगभग 18,000 का लेवल रहेगा, करके कल के लिए हमारे लिए इमीडिएट तौर पे एक रेजिस्टेंस जो मार्केट फेस कर सकता है, लगभग यही 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 लेवल बनेंगे हमारे लिए। अगर रही बात मेक और ब्रेक लेवल की, जो कि लगभग हमारे लिए इक्वल पोजिशन पे है ना, 1,700 900 का 17,900 का लेवल, ये हमारे लिए डिसेसिव लेवल रहेगी। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना लग जाए, तो हमें निगेटिव ट्रेडिंग ट्रेड के लिए देखना है। इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तो हम पॉजिटिव साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर ऊपर के तौर पे 18,000 सबसे इमीडिएट तौर पे रेजिस्टेंस रहेगा 18,050 और आखिरी में बनेगा 18,100 का लेवल। ये हमारे लिए कल के एक टारगेट के तौर पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अपसाइड के।
अब रही बात डाउनसाइड, अगर मार्केट ने डाउनसाइड मूवमेंट कंटिन्यू किया, 17,900 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, तो इमीडिएट तौर पे 17,800 का लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट बनेगा, और 17,750 और आखिरी में 17,000 का लेवल, ये हमारे लिए सॉरी 17,700 का लेवल, ये हमारे लिए इमीडिएट तौर पर डाउनसाइड के टारगेट बनेंगे, और ये हमारे लिए सपोर्ट उनकी तरफ भी एक्ट कर सकते हैं। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस लेवल को मार्केट भी चलेगा, और जब भी मार्केट इसके आसपास आता है तो आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लेट्स सी टुमारो व्हाट्स हैपन। थैंक यू।